们是 EFW 的一个人，我你们可以 is good news caster is all Africa even आने वाली स्पेंस समूह 2019 को इसका क्लैश होने वाला है दबंग थी से क्योंकि वो एक हफ्ते पहले आने वाली, लेकिन बकायदा बात करें गुफुक के बारे में. अभी तक आपने ट्रेलर देख लिया होगा, गुफुक क्या है आपको तो वो जो एक है ना वो घनचक्कर वाली सिचुएशन है वो नजर आती है और बहुत ही अलग ही तरह का ग्रुप अप है. यानी कि जो फिल्म है बहुत ही कमाल करेगी और जहां तक बात करें फिर वो काफी पसंद आ रहा है. और यहां पे कुछ और चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं. सबसे पहले एक चीज के बारे में ये बात करूंगा कि ट्रेलर एंटरटेनिंग है और इसको बैक कर रहे धर्मा प्रोडक्शन वाले और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म चलेगी. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये होगी कि क्या ये फिल्म दबंग थी को दिक्कत दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म में वैसे तो सफाई तरह से दिखाया गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बच्चे लोग नहीं जा सकते, लेकिन अगर बच्चे लोग नहीं जाएंगे तो इस फिल्म को दिक्कत हो सकती है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ही क्लियरिटी नहीं है कि बच्चे लोग इस फिल्म को देखेंगे या नहीं देखेंगे, या फैमिली उनको लेकर जाएगी इस तरह की फिल्म दिखाने या नहीं दिखाने. बहुत कुछ भी बाकी है, बहुत सारी चीजें भी सामने आएगी तो पता चलेगा. लेकिन हाँ, हाउस के बाद एक अलग से कॉमेडी वापस से आ रही है गुड न्यूज से. वो उम्मीद ज्यादा है कि कॉमेडी भी लोगों को पसंद आने में आई मीन पसंद आएगी और लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे. और जहां तक ओवरऑल बात करें तो प्रोडक्शन अच्छा था, आज सभी स्टार्टर्स काफी खुश थे, काफी पॉजिटिव वाइब आ रही थी और ट्रेलर से भी काफी पॉजिटिव वाइब आई थी. तो मुझे ऐसा लगता है चाहे डायलॉग बाजी हो, चाहे सॉन्ग चाहे म्यूजिक हो, चाहे एक्शन हो, थोड़ा बहुत एक्शन था नहीं वैसे, मतलब जो कहते हैं ना एकदम डायलॉग बाजी वो अच्छी था. और दिलजीत दोसांझ अक्षय कुमार को साथ में देखकर मुझे तो अच्छा लगा है. और 5 में से लेकिन कुछ रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन ख्याल से आई डेफिनेटली गोइंग टू गिव इट ए क्योंकि स्टोरी पर अगर ध्यान में रखूँ तो न्यू स्टोरी है, तो हिसाब से मैं इसे ब्रिलियंट रेटिंग दूंगा, यानी कि 80% की लेफ्ट 2.5 की फिल्म आगे छुट्टी है. आई होप जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. आप भी क्या रहा है वीडियो से लेकर जरूर बताइएगा.